सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सिलेबस का नेक्स्ट पोर्शन, जिसका नाम है फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस। सो फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमें डिस्कस करना है उसका नाम है द लिवर फ्लूक और फिजियोला। सो इस फाइलम को डिस्कस करने से पहले थ्री फाइलम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सो नेक्स्ट जो फाइलम है हमारे पास प्लैटीहेल्मिंथस, और इसमें भी हम जो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे उसका क्या नाम है, द लिवर फ्लूक और फिजियोला। तो ये जो लिवर फ्लूक एंड फिजियोला है इसको हम बहुत सारे वीडियोस में कवर करेंगे। सो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा इस टॉपिक का। सो इस वीडियो के अंदर हम फिजियोला हेपेटिका के एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड इसकी बॉडी वॉल को डिस्कस करेंगे, इसकी बॉडी वॉल की मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर आऊँ, मैं आपको बता दूँ ये जो बुक जिससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है प्रदीप पब्लिकेशंस की। ओके सो अगर आप बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी की बुक खरीदना चाहते हो तो इस पब्लिकेशन की बुक आप रेफर कर सकते हो, ये बेस्ट बुक रहती है। इसके अंदर डायग्राम्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे एंड एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर काफ़ी लूसिड होती है। सो इस बुक को आप रेफर कर सकते हो, प्रदीप पब्लिकेशंस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ये जो टॉपिक हमारे पास है फिजियोला हेपेटिका, इसके अंदर हम दो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, पहला इसकी बॉडी फॉर्म और दूसरा इसके जो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये सारा का सारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको मेन चीज़ें बताता जाऊँगा जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो इसके। ओके सो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो आप नोट्स इसके बनाते जाएँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज फिजियोला इज अ पैरासाइट। सबसे पहले फिजियोला क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं, व्हाट इज पैरासाइट, पैरासाइट मींस ऐसी चीज़ें जो दूसरों पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट। ओके इसे इतना मैं आपको बता दूं, ये जो लिवर फ्लूक हमारे पास होता है इसके दो होस्ट होते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अपने लाइफ को कंप्लीट करता है। ओके फर्स्ट जो इसका होस्ट होता है वो होती है स्नेल, एंड सेकेंड जो इसका होस्ट होता है वो होता है गॉट और शीप। ओके तो ये दो होस्ट इसके रहेंगे, तो ये खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये पैरासाइट है। ओके फिजियोला इज अ पैरासाइट्स। ये जो फिजियोला की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमारे पास है, जो सबसे कॉमन मिलती है वो है फिजियोला हेपेटिका। ओके यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में लिखा है, इट्स कॉमन एंड इंपॉर्टेंट स्पीशीज फिजियोला हेपेटिका अकर्स इन शीप एंड गॉट्स। इसका जो मेन होस्ट है वो है शीप एंड गॉट, और जो मैंने आपको कहा स्नेल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। ओके मेन होस्ट कौन सा है, वो है शीप एंड गॉट। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। फर्स्ट वन फिजियोला को हम लिवर फ्लूक कहते हैं, दूसरा फिजियोला इज अ पैरासाइट, और इसके नेक्स्ट पॉइंट इज फिजियोला के टू होस्ट होंगे हमारे पास। फिजियोला हैज टू होस्ट, फर्स्ट वन इज गॉट एंड शीप, एंड सेकेंड वन जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं वो है इसके अंदर स्नेल। ओके नेक्स्ट हम आते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर के अंदर, यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम आएंगे एक्सटर्नल कैरेक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कहा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके तो आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते जाएगा। नाउ एक्सटर्नल कैरेक्टर, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहो तो इसको खुद पढ़ सकते हो, मैं सीधे इसकी जो यहाँ पर इसका डायग्राम है वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है तो आप अपने नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बॉडी फॉर्म की तरफ, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। सो ये जो आपको दिख रहा है ये है लिवर फ्लूक, ये है हमारे पास फिजियोला हेपेटिका जिसको हम क्या कहते हैं, लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, मतलब कैसा दिखता है, कौन कौन सा पोर्शन कहाँ कहाँ पर है वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है तो सबसे पहले जो प्लैटीहेल्मिंथस हमारे पास है, प्लैटीहेल्मिंथस फाइलम के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फ्लैट होते हैं। ठीक है प्लैटीहेल्मिंथस के जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम फ्लैट ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ओके तो क्योंकि फिजियोला हेपेटिका भी फ्लैट फॉर्म से बिलोंग करता है तो ये भी कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, बिल्कुल फ्लैट इसकी बॉडी रहेगी। ओके पहला कैरेक्टर तो यही हो गया, इसकी बॉडी कैसी फ्लैट है। ओके सेकंड वन कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्स्ट वन इसका जो हमारे पास बॉडी है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है टू पार्ट्स में, सॉरी पहला जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं हेड लोब, ये वाला पोर्शन कौन सा है हेड लोब, और ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, ये एंटीरियर पोर्शन है ये पॉजिटीरियर पोर्शन हमारे पास है। ओके ये जो आपको साइड दिखाई गई है वो ये है इसकी वेंट्रल साइड, ये इसकी वेंट्रल साइड दिखाई हुई है, डोर्सल इसके पीछे वाली साइड है, ये वेंट्रल साइड है। ओके तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो एंटीरियर पोजीशन हमारे पास दी है, एंटीरियर जो इसकी टिप है वहाँ पर हमारे पास माउथ दिया है, एक सबसे पहले इसमें माउथ होगा, माउथ के जस्ट नीचे यहाँ पर मसल का एक बैंड होता है, मतलब माउथ के चारों ओर मसल्स का एक बैंड होता है,
इस बैंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरल सक्कर। ओके, इसको क्या कहते हैं, ओरल सक्कर। इस ओरल सक्कर का काम होता है जब ये शीप या गॉट के अंदर एंटर करता है फिजियोला हेपेटिका, ठीक है, तो इस ओरल सक्कर की हेल्प से वहाँ पर वो अटैच करता है। ओरल सक्कर भी और दूसरे स्पाइक्यूल्स होते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी में, वो हम नीचे देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, ओरल सक्कर का क्या काम क्या है, फर्स्ट इसकी लोकेशन कहाँ है, माउथ के चारों और चारों ओर, और दूसरा इसका काम क्या है, अटैच होना, मतलब किसी भी चीज़ के साथ अटैच होना है तो इसकी हेल्प से अटैच करेगा, ठीक है। दूसरा हेड लोब, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हेड लोब। नेक्स्ट ये है जेनिटल पोर, इसको हम क्या कहते हैं, जेनिटल पोर, ये जस्ट माउथ के नीचे होगा यहाँ पर। जेनिटल पोर का फंक्शन क्या है, इसकी लोकेशन तो आपको इसकी पता लग गई, फंक्शन इसका क्या है वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे, अभी बस इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है। दूसरा जेनिटल पोर के जस्ट नीचे हमारे पास क्या है, वेंट्रल सक्कर। ओके, वेंट्रल सक्कर, तो दो सक्कर हमारे पास देखने को मिलेंगे इसके अंदर फिजियोला हेपेटिका के अंदर, फर्स्ट वन ओरल सक्कर, सेकेंड वन वेंट्रल सक्कर। ओके, सो ये था फिजियोला, और लास्ट में इसका पॉजिटीरियर, ये एंटीरियर एंड पर है। नाउ पॉजिटीरियर एंड पर एक छोटा सा पोर होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एक्सक्रिटरी पोर, ठीक है। ये कैसे कैसे ओपन होता है, कौन यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है, ये हम एक्सक्रिटरी सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पर हमारा मेन पोर्शन है इसकी बेसिक चीज़ों को जानना कि कौन सी पोजिशन कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, सो ये हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई इसकी फिजियोला हेपेटिका की। नाउ सेकंड चीज़ जो इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करनी है वो है इसकी बॉडी वॉल की हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसकी जो बॉडी वॉल है ये तो हमें दिख रहा है फिजियोला हेपेटिका, इसकी जो बॉडी वॉल है अब, ठीक है, वो किस तरह से होगी, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो बॉडी वॉल है ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये डायग्राम एज इट इज़ करना है, ठीक है। इसको आपको एज इट इज़, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी हुई यहाँ पर देखिए बॉडी वॉल में, इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे आपको ये जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है यहीं से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। सो आप अपने नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बॉडी वॉल, नाउ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, इसके फंक्शन का भी, फंक्शन मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ऊपर वाला ये पोर्शन आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, एंड नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लें फंक्शंस तक, ठीक है, फिफ्थ तक। इट इज़ अ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑल्सो। ओके, अब आते हैं इसके डायग्राम्स के ऊपर। ये जो इसका डायग्राम दिया बॉडी वॉल का, यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉडी वॉल रहेगी, ये जो फिजियोला हेपेटिका हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, इसकी अगर बॉडी वॉल देखी जाए, मतलब इसकी जो बॉडी है उसकी वॉल को अगर देखा जाए तो वो किस इस तरह से रहती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो फिजियोला हेपेटिका है उसकी बॉडी वॉल थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, तीन पार्ट्स इसके बॉडी वॉल, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है। तो थ्री पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड, इसकी बॉडी वॉल डिवाइडेड रहती है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास बॉडी वॉल का कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं टेगुमेंट, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन जो इसकी बॉडी वॉल का होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेगुमेंट। ये देखिए आपको टेगुमेंट दिख रहा है, ये टेगुमेंट है, ठीक है। एंड सेकंड जो पोर्शन है इसकी बॉडी वॉल का, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मैं। ये आउटर जोन ऑफ टेगुमेंट है, मतलब ये टेगुमेंट मान लो यहां तक टेगुमेंट है। ये नीचे वाला जो आपको डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, ये जो डॉटेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ आपको दिख रही है, ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़, ये है मसल्स, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये है सर्कुलेटरी मसल्स, ये सर्कुलर मसल्स, ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स है एंड ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ओके, ये पहला पोर्शन कौन सा है, पहला पोर्शन है टेगुमेंट का, ये आउटर वॉल जो आपको दिख रही है टेगुमेंट की है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन है इसका बेसमेंट, ठीक है, इसको बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट कहते हैं, मतलब ये वाला टेगुमेंट, ये वाला पैरेन्काइमा, ठीक है, ये टेगुमेंट, ये पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा और टेगुमेंट के बीच में जो लेयर बनी है इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर आपको मेन चीज़ें बताई कि तीन पोर्शन होंगे इसकी बॉडी वॉल में, पहला टेगुमेंट, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा पैरेन्काइमा, ठीक है। अभी मैंने जितना आपको बताया ये इतना सिंपल नहीं है, अब इसको ध्यान से समझना है आपने। मैंने आपको क्या कहा, जो फर्स्ट जो इसकी जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, टेगुमेंट। लेकिन ये जो टेगुमेंट है ये सीधे एक ही बैंड में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टेगुमेंट दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये भी टेगुमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से इन बैग के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ये जो बैग है, बैग को टेगुमेंट के साथ कौन जोड़ रहा है, ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। मतलब ये भी टेगुमेंट है और ये जो आपको बैग्स दिख रहे हैं ये भी टेगुमेंट है। इन बैग्स के अंदर साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनिल्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेगुमेंट। तभी यहाँ पर लिखा देखिए आउटर जोन ऑफ टेगुमेंट एंड नीचे क्या दिया है, इनर जोन ऑफ टेगुमेंट। तो दो टेगुमेंट की जोन हमारे पास दी है।
दूसरा पोर्शन कौन सा इसका? दूसरा पोर्शन है सीधे ही, अब देखिए ये जो बीच वाली लेयर आपको दिख रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है सेपरेशन क्रिएट करना टेगुमेंट एंड पेरेन्काइमा के बीच में। तो दूसरी लेयर ये हो गई, पहली हो गई टेगुमेंट की, आउटर टेगुमेंट, इनर टेगुमेंट, ये वाला इनर टेगुमेंट। दूसरी लेयर कौन सी होगी? ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो तीसरी लेयर हमारे पास होती है, तीसरी लेयर है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन। यहाँ पर देखिए लिखा है इनर जोन ऑफ टेगुमेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, इसको आपने यहाँ तक करना है। ये जो साइटोप्लाज्म के बैग है सिर्फ यही है टेगुमेंट का हिस्सा, बीच वाला नहीं है, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, मतलब ये वाले देखिए, ये क्या है दोनों? ये मसल्स है, ये सर्कुलर मसल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और जो ये पेरेन्काइमा है, ये मिलकर तीसरी जोन बनाते हैं, ठीक है। ये तीसरी जोन है इसके बॉडी वॉल की। तो हमने देखा कि तीन पोर्शन इसके बॉडी वॉल में रहेंगे, पहला टेगुमेंट, इनर टेगुमेंट, आउटर टेगुमेंट, इनर टेगुमेंट, दूसरे कौन सा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा कौन सा है? तीसरा ये वाला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सर्कुलेटरी मसल्स, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड पेरेन्काइमा, ओके। तो ये हमने देख लिया इसकी बॉडी वॉल को। अब सिंपली आप अगर चाहो तो, मैंने आपको कहा कि आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए, बाकी वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम एंड इसका फंक्शन। अब इसके फंक्शन पर आते हैं कि बॉडी वॉल का, ये जो लिवर फ्लूइड के अंदर बॉडी वॉल है, इसका क्या फंक्शन है, मतलब इस बॉडी वॉल का क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन पर हम आते हैं। फर्स्ट फंक्शन देखिए क्या है इसका, द बॉडी वॉल प्लेज अ वाइटल रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स, इट सर्व्स मैनी फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? इट मेंटेन्स द बॉडी फॉर्म। ये तो सिंपल सी बात है कि जितनी भी हमारे पास बाहर वाली लेयर्स रहती है, आउटर लेयर जो रहती है, बॉडी वॉल जो रहती है, सबसे पहला काम तो वो बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। अगर आउटर बॉडी वॉल ही नहीं होगी तो क्या होगा? बॉडी हमारी मेंटेन ही नहीं दे पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। ये भी सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा? डेलिकेट जो इसके अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स होंगे उनको इंजरी से बचाएगा, ये तो सिंपल से है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पाइक्यूल्स प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द बाइल डक्ट एंड फूड बाय इरोजन ऑफ टिश्यू, होस्ट टिश्यू। एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया बताना आपको, ये जो आपको टेगुमेंट दिख रहा है, टेगुमेंट को आप, टेगुमेंट में आपको छोटे छोटे यहाँ पर स्पाइन देखने को मिलेंगे, इनको हम स्पाइन या स्पाइक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इन स्पाइन का काम क्या होता है? इन स्पाइन का काम होता है जैसे ही कोई होस्ट जो है जैसे ही लिवर फ्लूइड होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया, तो ये इनकी हेल्प से भी उसकी बाइल डक्ट से अटैच होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो ओरल शक्कर है और जो स्पाइक्यूल है, इनका काम एक ही है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? अटैच होने का काम करते हैं, वहाँ पर अटैच करेंगे इस लिवर फ्लूइड को उसकी बाइल डक्ट के साथ, ठीक है। सो ये भी इसका हो गया, द स्पाइक्यूल्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू द बाइल डक्ट एंड फूड बाय इरोजन ऑफ, ये बाइल डक्ट क्यों लिखा है? बाइल डक्ट का मतलब जब ये होस्ट के अंदर एंटर करेगा तो इसकी बाइल की जो डक्ट होगी, ये एक्चुअल में वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर रहता है, ठीक है, वहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट डिफ्यूजेज आउट थ्रू द टेगुमेंट आर टेगुमेंट, ठीक है। अब जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे, मतलब एक्सक्रीशन, इसमें एक्सक्रीशन के लिए हालांकि इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इतना भी याद रखो कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो इसके थ्रू भी बाहर जा सकता है, मतलब डिफ्यूज होकर बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड सम एमिनो एसिड्स पर्टिकुलरली इन गट फ्लूइड्स। अब जो दूसरे हमारे पास गट फ्लूइड्स होते हैं, उनसे ये ग्लूकोज और दूसरे एमिनो एसिड को भी इनका ये टेगुमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये इनके अंदर माइन्यूट कैपेसिटी होगी, ज़्यादा नहीं करेगा, माइन्यूट कैपेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ साइट फॉर गैस एक्सचेंज ऑल्सो। अब ये जो है गैस एक्सचेंज का भी साइट रहेगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज भी यहाँ से इसकी बॉडी वॉल से हो सकती है। सो ये था लिवर फ्लूइड का पार्ट फर्स्ट, लिवर फ्लूइड जो हमारे पास टॉपिक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसकी बॉडी वॉल एंड इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट आएगा इस टॉपिक का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और थर्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम को, ओके। सो ये था फर्स्ट पार्ट, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।